भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस रानी चटर्जी हाल ही में वेब सीरीज मस्तराम को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसमें एक्ट्रेस का किरदार काफी बोल्ड था, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में बनी हुई हैं। चारों तरफ से लोग उनके किरदार की बात कर रहे हैं। इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने रानी के मस्तराम वाले किरदार राजकली के बारे में बात की और अपना मिला जुला रिएक्शन दिया है। खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी स्मृति सिन्हा ने कहा कि वे शुरू से ही बोल्ड रही हैं, लेकिन मस्तराम में अपने इरोटिक सीन के लिए वे बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रही हैं। एक लाइव चैट के दौरान फैंस द्वारा रानी के बोल्ड किरदार के बारे में सवाल करने पर स्मृति सिन्हा ने कहा कि इसको लेकर उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। स्मृति ने कहा कि रानी सच में बहुत पहले से ही बोल्ड रही है, उनका बोल्ड किरदार शायद अपने पर सूट कर रहा होगा, लेकिन मस्तराम में जो निर्देशक का काम था वे उन्हें थोड़ा 19 लगा। स्मृति सिन्हा ने जवाब देते हुए आगे कहा कि रानी चटर्जी अपनी फिल्मों में कितनी खूबसूरत और हॉट लगती हैं, लेकिन मस्तराम में उनका इरोटिक सीन बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रहा है। रानी बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रही हैं। इसके साथ ही स्मृति ने निर्देशक के काम को थोड़ा कमजोर बताया है। OTT प्लेटफॉर्म की तरफ दर्शकों के बढ़ते रुझानों को लेकर स्मृति ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा में जिस तरह के बदलाव की जरूरत है वे धीरे धीरे हो रहा है। स्मृति का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हिस्से को डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूवी को डिजिटलाइज हो जाना चाहिए और भोजपुरी का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। रानी चटर्जी के अलावा मस्तराम में अंशुमन झा, तारा अलीशा बेरी, जगत रावत, विपिन शर्मा, ईशा छाबड़ा, प्रशांत गुप्ता नजर आए थे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट पाएं हमारे नई वीडियो से।